Shakti. Who is goddesses? Asked Shiva, who is a god, to narrate a tale that will comfort all in turbulent times. Shiva narrates the Ramayana, the story of Sita and Ram. जो देवी शक्ति हैं वो महादेव से कहती हैं कि मुझे एक ऐसी कहानी सुनाइए जिसे अगर मैं सुनूं या कोई भी सुने तो संघर्ष में ही जो हमारा समय है वो सरल हो जाए, वो आसानी से पार हो जाए। तो उस कहानी का जो शिव हैं बोलते हैं कि कहानी का नाम जो है वो रामायणा है, कहानी जो है वो सीताराम की कहानी है। द स्टोरी पोर्स इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट टंग्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट नॉन्सेस, डिफरेंट इमोशंस। जो ये रामायण की जो कहानी है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई है, अलग अलग तरीके से बताई जाती है, लेकिन देवदत्त पटनायक जो है वो रामायण को इंडिया में इंग्लिश में लिखे हैं और बहुत ही सुंदर लिखे हैं। आई होप ये कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और मैं और आप दोनों को सीखें रामायणा से। A curious crow called Kaka Bhushandi, एक बहुत ही जिज्ञासा मई कौआ है जिसका नाम है काका भूषणदी, ठीक है। और इस कौआ, ये कौआ जो है बेसिकली जो शिव पार्वती को कहानी सुना रहे हैं वो उसको अच्छे से सुनते हैं और सुनने के बाद नारद को जो कि एक सेज है, साधु है, उनको सुनाते हैं। नारद, The traveling sage who love to gossip and exchange ideas between heaven and earth. Basically, वो एक traveling sage है, कभी स्वर्ग के लोग ईश्वर को कहानी बताते हैं, gossip बताते हैं, कभी अर्थ में जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, साधु हैं, संत हैं, उन लोगों को कहानी सुनाते हैं। जब जो नारद हैं जब काका भूषणदी से ये कहानी सुनते हैं जो कौआ है उसको, फिर वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। फिर वाल्मीकि जो है वो रामायण को की रचना करते हैं जो कि संस्कृत में की गई है। फिर उसी रामायण को वो जब सुनाते हैं लव और कुश को, तो लव कुश इसे एक गाने के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जाके उनके पैलेस में सुनाते हैं। अब बात हम करते हैं सीता जो है वो राजा जनक को कैसे मिली थी। तो बेसिकली इट वाज स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन, जो है वो खेतों में बीज डालने का समय है और तभी जो है राजा जनक जो है एज अ किंग वो पहला प्लॉग जो है प्लॉगिंग करते हैं, फर्स्ट प्लॉग करते हैं। और जो वो कुदाल यूज़ करते हैं वो कुदाल जो है वो सोने से बनी हुई है। जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और मॉइश है बहुत ज़्यादा। तो जब बहुत धीरे से ही कुदाल को जो चलाते हैं तो उसमें से एक छोटा सा हाथ नज़र आता है। फिंगर्स जो है बिल्कुल पतले पतले ग्रासेस के जैसे हैं। और फिर वो धीरे धीरे जब मिट्टी को हटाते हैं तब उसमें से एक बच्ची नज़र आती है जो बहुत रेडिएंट है, ब्यूटीफुल है। और वो वो जो बच्ची है वो सीता माता है। सडनली द किंग स्टॉप्ड, द फ्यूरो रिवील्ड अ गोल्डन हैंड, टीनी फिंगर्स राइजिंग अप लाइक अ ग्रासेस। ओके, वाज इट एन अबंडेंट चाइल्ड? जो राजा है वो किसान से पूछते हैं क्या ये त्यागी हुई बच्ची है, क्या किसी ने इसे त्याग दिया है? तो किसान जो है वो कहते हैं कि नो, वो त्यागी हुई बच्ची नहीं है, वो अर्थ गॉडेस की बेटी है। सीता माता को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि जानकी, डॉटर ऑफ जनक, जो जनक है उनकी बेटी, मैथिली डॉटर, जो मिथिला नरेश हैं जो जनक है उनकी बेटी, भूमिजा और सीता, और वैदेही जो है लेडी फ्रॉम वेदहा, जो कुदाल चलाना उसको वेदहा कहते हैं, और उससे जो उस जगह से जो पुत्री मिली है उसको कहते हैं वैदेही, ठीक है। तो इस तरीके से राजा जो है उस बच्ची को अपने पैलेस में लेके जाते हैं। पैलेस में जो है बहुत ही खुश होते हैं और इससे अच्छी सोइंग जो है वो कभी हुआ ही नहीं है, कभी जो कि जब बीज बोने जाएं तो एक प्यारी सी बच्ची हो, वो सबको बताते हैं पैलेसेस में। और हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही सुंदर हार्वेस्टिंग होती है। तो राजा जो है वो सीता माता को बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं राजा जनक। ये तो हुई बात कि कैसे माता सीता जो है वो राजा जनक को मिली थी। राम जी जो है राम को पाने के लिए दशरथ ने बहुत ही कठोर तपस्या, बहुत ही ज़्यादा कठोर तप किए।
उसके बाद उन्हें राम की प्राप्ति हुई थी। अ डॉटर कॉल संतना, जो राजा दशरथ है उनकी एक बेटी है जिसका नाम है संतना। तो संतना का बेसिकली मीन होता है वेरी पीसफुल ब्यूटीफुल। तो संतना है वो राजा दशरथ की बेटी है जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल है, अपने नेम को जस्टिफाइड करती है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है बहुत ज्यादा। लेकिन बट शी डिड नॉट बीइंग दशरथ पीस फॉर ही वॉन्टेड सन। लेकिन राजा दशरथ की इच्छा है, चाहत है कि उनको बेटे हों, ठीक है, बेटे हों, बहुत सारे बेटे हों, सन्स लिखा हुआ है। और उस इच्छा को प्राप्ति के लिए वो कौशल्या के बाद कैकेयी से शादी करते हैं, लेकिन कैकेयी से भी उनको कोई औलाद नहीं होती है। कैकेयी के बाद जब वो सुमित्रा से फिर वो शादी करते हैं, पर फिर भी कोई औलाद नहीं मिलती है। बहुत ही उदास हैं, सोच रहे हैं कि मेरे बाद जो है ये राजा की गद्दी किसे मिलेगी, ये सब सोच ही रहे होते हैं। तभी अंग देश के राजा जो हैं वो रोमपदा, वो वहाँ पे आते हैं और उनको एक उनको भी बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, उनकी भी परीक्षा हो रही है क्योंकि उनके जो अंग देश है उसमें बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, वो ड्रॉट का शिकार है, सूखा का शिकार है। तो राजा दशरथ के पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि क्या करना है। तो दशरथ भी अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हैं कि मुझे पुत्र की इच्छा है ताकि मेरे बाद गद्दी पे राज कर सके। दोनों ही उदास बैठे हुए हैं, तभी जो वशिष्ठ हैं, गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ के जो गुरु होते हैं वो वशिष्ठ हैं, वो उनको बताते हैं ऋषि श्रृंगा के बारे में, जो कि बहुत ही शक्तिशाली सेज है, कि वो जो है वो राजा दशरथ की भी ख्वाहिश को, जो पुत्र की ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकते हैं और रोमपदा राजा की भी मदद कर सकते हैं। तो रोमपदा जो है वो बोलते हैं कि काश मेरी कोई बेटी होती ताकि ऋषि श्रृंगा को वो सिड्यूस कर सकते, अपने समय अपने तरफ आकर्षित कर सके, जिसके बाद जो ऋषि श्रृंगा है उसको अपने नगर अपने अंगा में ला सके, जो जो देश से अंगा वहां ला सके और वहां पे बारिश कर सके। तभी जो राजा दशरथ है वो अपनी बेटी को संतना को कहते हैं कि मेरी बेटी को अब आप अपनी बेटी समझिए, और राजा संतना को जो है वो रोमपदा को सौंप देते हैं एज अ डॉटर, अब ये आपकी बेटी है। जो राजा श्रृंगी ऋषि श्रृंगी हैं वो उनके पिता का नाम भीमवंदका है। भीमवंदका स्वयं भी बहुत ही शक्तिशाली सेज रह चुके हैं। भीमवंदका वॉज कॉल्ड ऋषि अशीर बिकॉज ही वॉज वॉट अदर ही कैन सी वॉट अदर कैन नॉट। ही न्यू द फूड टर्न इन टू सैप देन ब्लड देन फ्लैश देन नर्व देन बोन एंड फाइनली इन टू सीड। जो ऋषि भीमवंदका हैं उनको पुराणों का वेदों का बहुत अधिक ज्ञान है, इससे अधिक यही पता चलता है। ऋग्वेद में इन सब चीज़ों का डिस्कशन किया गया है, मैंने नहीं पढ़ा है पर मुझे थोड़ा मोड़ा जो भी आइडिया है उसके हिसाब से जो मेडिसिन है उसका जो ज्ञान है वो ऋग्वेद में है, और ऋषि भीमवंदका को सारे वेदों का ज्ञान है, बहुत ही बड़े तपस्वी हैं वो। When seed is said, new life come into being. जो सीड है, बीज जो है वो जमीन पे जब गिरता है तो एक नया जीवन उससे आता है। No living creature has control over the seedling of their seed except humans, especially men. अपने बीज को कंट्रोल करके रखना, सीड को बेसिकली कोई भी ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता है, ना जानवर कर सकते हैं, लेकिन men through strong tapasya and meditation can do that. जो आदमी है वो स्ट्रॉन्ग तपस्या अगर करे तो अपने जो सीड है उसको कंट्रोल कर सकता है अपने बॉडी से। व्हेन सीड इज रिटेन इन द बॉडी इट टर्न इनटू ओजस। ओजस जो है बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ओजस कैन बी टर्न इनटू तपा थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ तपस्या। तो तपा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ओके, जो हमें तपस्या करने से मिलती है। तो जो जो संत भीमवंदका हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, बहुत स्ट्रांग तपस्या करते हैं तब उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद विद तपा कम सिद्धा ही द पावर ऑफ कंट्रोल नेचर। वो जो है प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। द पावर टू कंपाइल गॉड टू ब्रिंग डाउन रेन, गॉड को कह सकते हैं बारिश करने के लिए। मेक बैरन वोमेन फर्टाइल,
अगर कोई औरत है और उसे बेबी नहीं हो रहा है तो उसे बच्चे हो सकते हैं, और अगर कोई आदमी है उसे कुछ प्रॉब्लम है टू हैविंग अ बेबी तो वो बेबी वो भी प्रोड्यूस कर सकता है. इतनी पावर जो है वो ऋषि विवंधका के पास थी. फियरफुल डेट विवंधका वुड सक्सेड एंड यूज सिद्धा अगेंस्ट हिम. इंद्रदेव जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं विवंधका से, और इनसिक्योर होके वो जो अप्सराएं हैं उनको जब वो तपस्या कर रहे होते हैं उनके पास अप्सराएं को भेज देती है. अप्सराएं जो हैं वो गाना गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं. जब ऋषि विवंधका अपनी आंखें खोलते हैं और अप्सराओं को देखते हैं तो क्षण भर के लिए उनकी तपस्या, उनका कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो जाता है. तभी जो है एक सेमेन जो है प्रोड्यूस होता है और वो जमीन पे गिर जाता है, ग्रास पे गिरता है, माफ कीजिएगा, ग्रास पे गिरता है. उसी ग्रास को जो है एक डियर जो है ड्यू डीओ ई डीओ के इसका मतलब हिरनी होता है, वो खा लेती है. जब वो हिरनी सेमेन को खा लेती है तब उसके गर्भ में एक बेबी होता है जो कि ह्यूमन बेबी है. वो बेबी प्रोड्यूस होता है जिसको ऋषि श्रृंगा के नाम से जाना जाता है. जो विवंधका है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं राजा इंद्र से, और अपनी फेलियर ऑफ तपस्या कहते हैं कि मैं कैसे अपनी तपस्या भंग कर दिया, किसी कोई स्त्री आ भी गई तो कैसे मैं अपनी तपस्या को भूल गया, कैसे मोहित हो गया अप्सराओं को देख करके. जो इस बात को बहुत ही ज़्यादा मन में बैठा लेते हैं, उनके जो पुत्र होते हैं ऋषि श्रृंगा उसको वो बहुत ही ज़्यादा अपने अंडर रखते हैं, डरा के रखते हैं, किसी भी लड़की की सूरत देखने से उसे मना करते हैं, और विवंधका रेखा पारते हैं जहाँ वो रह रहे होते हैं. जो भी औरत महिला उस रेखा को पार करती है वो पार करती है उसको विवंधका जला देते हैं. यहाँ इंसानी नहीं, कोई जानवर भी अगर उसको पार कर रहा है तो उसको भी वो जला देते हैं, ठीक है. जो ऋषि श्रृंगा है बहुत ही लोनली लाइफ वो जीते हैं, शुरू से ही अकेले ही रहते हैं और तपस्या में विलीन रहते हैं, ठीक है. तो रोमपदा की जो बेटी राजा दशरथ ने अपनी बेटी रोमपदा को सौंपी है बेटी के रूप में, तो सांत्वना जो है उसको रोमपदा भेजते हैं कि तुम जाओ और जो संत श्रृंगी है उसको अपनी तरफ लुभाओ, उसे सिड्यूस करो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करो. तब जब ऋषि विवंधका भी बंधका जाते हैं फ्रूट कलेक्ट के लिए फॉरेस्ट में, तभी जो है ऋषि श्रृंगा को एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई देती है. वो सांत्वना की आवाज होती है, वो गा रही होती है और नृत्य कर रही होती है वहां पे. तो पहली बार वो किसी लड़की को देखते हैं और वो लड़की सांत्वना होती है. उसके गीत सुनते ही जो है जो ऋषि श्रृंगा है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. अपने पिता का जो रेखा है विवंध का रेखा उसको वो पार नहीं करते हैं, लेकिन तब सांत्वना बार बार वो उनके पास आती है. ना सांत्वना रेखा को पार करती है ना ऋषि विवंध का, ठीक है. लेकिन एक दिन सांत्वना जब नहीं आती है तब माफ कीजिएगा विवंध का काम है ऋषि श्रृंगा, तब ऋषि श्रृंगा जो है वो लकीर को पार करके सांत्वना को ढूंढने निकल जाते हैं. तब सांत्वना जो है वो जंगल में जब उन्हें मिलती है, इनफैक्ट सांत्वना भी उनका इंतजार कर रही होती है कि आज मैं नहीं जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है. तब वहाँ पे ऋषि श्रृंगा जो है वो आते हैं, तब वो लोग दोनों शादी करते हैं और सांत्वना जो है उनको ले जाती है अंग नगर में, जहाँ की राजा रोमपदा जो है ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम में है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और जो जमीन है वो बंजर हो रही है, ठीक है. तो जो ऋषि श्रृंगा है वो नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें भी सिद्धि प्राप्ति है, तब वो बारिश करवाते हैं और वहाँ की जो ड्रॉट है वो खत्म हो जाता है. जैसा कि दशरथ को रोमपदा ने वादा किया था कि ऋषि श्रृंगा से जरूर जब उन्हें मदद मिलेगी तब वो आपकी भी मदद करेंगे, तो तब दशरथ वहाँ आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं ऋषि श्रृंगा को कि मुझे बेटे की चाहत है, बेटा नहीं हो रहा. तब पौत्र की यज्ञ करने को बोलते हैं ऋषि श्रृंगा कि पुत्र की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव को, अग्निदेव को, जितने भी देवता हैं शिव को, ब्रह्मा को और पार्वती माता सबको प्रसन्न करना है, ताकि वो एक वो अपनी ताकत दे सके, आशीर्वाद दे सके, जिससे कि जो राजा दशरथ है उनको पुत्र की प्राप्ति हो. दशरथ गेट फोर सन्स.
The rain poured, flower bloomed, and we knocked the bees. The bull sowed the cow, and the buck sowed the dew. All was well in Anga. Rompada kept his promise and requested Rishi Shringa to help Dasaratha. जैसा कि मैंने बताया है, father sons. Rishanga readily agreed. Well versed in the secret of nature, he decided to conduct a yagna. तब ऋषि श्रृंगा जो है वो एक यज्ञ करने के लिए कहते हैं. ऋषि श्रृंगा डिक्लेयर दशरथ एज अ यजमान. तो जब भी हमारे घर में पूजा होता है तो पंडित जी बोलते हैं यजमान हवन में घी डालें. तो क्योंकि यहाँ ऋषि श्रृंगा जो है वो हवन करवा रहे हैं, ठीक है, और हवन करवा रहे हैं तो जो दशरथ हो गए वो यजमान हो गए. हवन जो है उसमें सारा ही देवताओं को आवाहन किया जाता है, जितने भी देव हैं, देवी हैं, देवताएं हैं, इष्ट देव हैं, सबका वो आवाहन करते हैं, बहुत सारी वर्सेस को पढ़ते हैं, चांट करते हैं मंत्र को, और एक क्या बोले पतीले में फ्रूट जूस बेसिकली कह सकते हैं, फ्रूट जूस रखते हैं. जब यज्ञ संपन्न होता है तो देवी देवता जो है उस बाउल में जो फ्रूट जूस है उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको हेविस देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और वो जो पोषण है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है वो जो पोषण है जूसेस का कि उसे कोई भी पिएगा तो जो भी जो अनफर्टिलिटी है उसको फर्टिलिटी में बदल देगा. कहने का अर्थ ये है कि जो भी उनको औलाद नहीं हो पा रही है उनको औलाद हो सकती है. ओके, आई होप मैं अच्छे से आपको समझा पा रही हूँ. राजा दशरथ जो है जो पोषण है उसको कौशल्या को देते हैं, जो कि जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं, और फिर कैकेयी को देते हैं जिससे सबसे ज़्यादा सबसे अधिक वो प्रेम करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो कौशल्या है 1/4 वो सुमित्रा को दे देती है, और वैसे ही कैकेयी भी 1/4 जो है वो भी सुमित्रा को दे देती है. इस चीज को देखते हुए सुमित्रा को दो ट्विंस होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है. कैकेयी को बेटा होता है भरत, और कौशल्या को होते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन. आई होप मैंने आपको अच्छे से ये समझाया हो. आगे भी बहुत पढ़ना है, आगे भी बहुत करना है. आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ.